गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम। गाँव में गाँव में सुबह शाम पुलक सागर एक नाम एक नाम। पहला कस्टमर है आज सुबह का, बोनी बिगाड़ रहा है बाबा, लेकिन अब मिला है तो मांगना तो पड़ेगा। जैसे ही नारद के पास गए, नारद ने कहा बोल क्या चाहता है। बोले पहले दर्शन हुए मेरे सुबह सुबह आपके। नारद ने कहा बोल वरदान मांग। बोले वरदान वरदान तो छोड़ो, मैं संतोषी प्राणी हूँ, औरंगाबाद में ज्यादा हाय हाय नहीं होती है, हमारे पास जो है हम उसमें सुखी रहते हैं। अरे बोले ज्यादा ज्ञान मत बांट, जब ज्ञान गंगा में सुन लूंगा, तू अपना मामला बता कि क्या है, क्या कहना चाह रहा है। बोले कहना ये चाह रहा हूं कि मैं सुबह सुबह भीख मांगने निकला हूं, मेरा भिक्षा पात्र भर दीजिए। नारद ने कहा पागल दिमाग नहीं है तुझमें, नारद से मांग रहा और इतना सा कटोरा, इतने से कटोरे को कह रहा कि इसको भर दो। बोले नारद जी एक बात ध्यान रखना, कटोरा फुल भरना। अरे फुल, बोले पागल है। बोले जो भी है। नारद ने कहा मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। तो बोले तू कटोरा भी नहीं भर सकता है मेरा। बोले कटोरा भर सकता हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। तो बोले कैसे भरेगा। तो बोले चलो मैं तुमको इंद्र सभा में ले सकता हूँ, कुबेर के पास ले जा सकता हूँ, इंद्र के पास ले जा सकता हूँ। भिखारी ने कहा चलो। बोले चलो। अरे यार, भिखारी ने कहा कि मारोगे तो नहीं। बोले क्यों। बोले स्वर्ग जाने से पहले तो मरना पड़ता है। बोले नहीं, आज सुबह सुबह तू मिला है, मैं तुझे जीते जी स्वर्ग ले सकता हूँ। जैसे ही स्वर्ग ले गए, इंद्र महाराज वहां बैठे थे। इंद्र ने कहा कि क्यों भाई नारद, तुम आए तो आए, औरंगाबाद का आइटम क्यों उठा करके ले आए हो, ये आदमी को यहाँ लेकर के क्यों आ गए हो। अरे नारद बोले सुबह सुबह मिल गया, इसको दर्शन का फल दे दीजिए। अरे बोले क्यों लाया, इस आदमी को लेके क्यों आए, उसको जल्दी वापिस भेज। बोले मतलब क्या है। बोले ये आदमी यदि स्वर्ग में रह गया तो 24 घंटे में नरक में बदल देगा, ध्यान रखिए, इसको नीचे फेंको, नीचे बिल्कुल, ये मृत्यु लोक में रहने वाला स्वर्ग में कैसे आ गया। नारद ने कहा जल्दी भगाना है। बोले हाँ बिल्कुल जल्दी, आदमी यहां होना ही नहीं, इंसान यहां नहीं होना। तो बोले क्या करना है। बोले इसका कटोरा भर दो यार, बहुत भूखा है इंद्र महाराज, दे दो, गरीब है बेचारा, दरिद्रता मिटा दो इसकी है। तो इंद्र ने कहा इसके लिए यार तू यहाँ काय को लेकर के आया है, यहाँ लाने की क्या जरूरत थी, वहीं किसी औरंगाबाद वाले को सेट कर लेता, डीवी कासली वाले के यहाँ भेज देता है, इतना सा कटोरा तो वही भर के रख देते, और नहीं मिलता तो महावीर पाटनी के यहाँ भेज देता, वही कटोरा भरते और कोई ना भरे प्रकाश अजमेरा तो भर ही देता कटोरा, ध्यान रखिए। बोले वहां ले जाओ, वहां भरा देते कटोरा। ललित जी बोल रहे हम कोई कम है क्या, हमारे यहाँ क्यों नहीं भेज रहे हो, ध्यान रखना, विचार करिए तू इसको यहाँ लेकर के क्यों आया इस कटोरे के लिए। अरे नारद बोले समय बर्बाद मत करो, दे दो ना इसको, आपके भंडार में क्या कमी है। तो बोले ठीक है। भिखारी ने कहा ए ध्यान रखना, फूल चाहिए, आधा अधूरा लेके नहीं जाऊंगा, फुल भरो कटोरे को। कुबेर ने कहा कि भरो, हीरे मोती के थाल आए, कटोरे में डाला, कटोरा खाली का खाली, फिर कटोरे में डाला, फिर खाली। कहते हैं 5 से 10 घंटे हो गए, वो कटोरा भर ही नहीं रहा, डाले जा रहे। नारद को तो अब पसीने आने लगे। नारद ने कहा यार इंद्र महाराज तुमने सही कहा था, मैं तो उपद्रव लेकर के आ गया हूँ, ये कटोरा में कोई होल कर रखा है, टुकड़ा छेद कर रखा है, जो नीचे गिराए जा रहा है ये कटोरा। बोले देखो नारद जी, मैंने कहा था मेरा कटोरा फुल होना चाहिए, वो बिना फुल हुए अब मैं यहाँ से जाने वाला। नारद ने कहा यार तूने कौन सी फैक्ट्री से बनवाया ये कटोरा, मैं डाल दिया थाल के थाल भर करके, तेरा कटोरा भरता ही नहीं है, इधर दिखा तेरा कटोरा। बोले नहीं कटोरा नहीं दूंगा, जिंदगी तो कटोरे में है मेरी। अरे बोले फिर भी दिखा तो, कौन सी कंपनी है, कौन सा IAS मार्क का तूने कटोरा लाया, इधर ला। जैसे ही कटोरा देखा, नारद ने अपना सिर फोड़ लिया। बोले बेवकूफ, पहले ही बता देता तो मैं तुझे काय को लेकर के आता। बोले मतलब क्या है। बोले ये बता तुझे कटोरा कहाँ मिला। बोले सुबह सुबह जा रहा था, एक शमशान घाट से गुजरा, ये कटोरा नहीं आदमी की खोपड़ी है जो मैं लेकर के आ गया हूँ। इंद्र ने कहा कि पागल आदमी, दुनिया को भरना आसान है लेकिन आदमी की खोपड़ी को भरना बहुत मुश्किल काम, ये खोपड़ी क्यों लेकर के आ गया, विचार करिए, आदमी की खोपड़ी कभी भरने वाली
इसलिए तो भगवान ने उल्टी लगा दी है खोपड़ी, सीधी रख देता तो वही परेशान हो जाता भर भर के ध्यान रखे। ये उल्टी खोपड़ी का आदमी है, ध्यान रखना। सबको भरना आसान है लेकिन आदमी की खोपड़ी को भरना बहुत मुश्किल काम है। मान्यवर संतोष जाके घर संतोष धन, सब धन धूल समा। संतोष रखिए। मेरे पास क्यों आए हो प्रवचन सुनने, क्यों भागे चले आते हो? मेरे पास क्या है? ना रुपया है, ना पैसा है, ना दौलत है, ना कुछ है। और जब ये बड़े बड़े लोग मेरे पास आते हैं तो मुझे लगता है कि इन्हें सुख उसमें नहीं मिला करता है, ये सुख की तलाश में संतों के पास जाया करते हैं। ध्यान रखिए, यदि इनके पास सुख होता तो नंगे फकीर के सामने जाने की आदमी को जरूरत क्या हो जाती। ध्यान रखना, आपके पास धन है, दौलत है, रुपया है, पैसा है, लेकिन चेहरा मुरझाया हुआ है, और मेरे तन पे कपड़े नहीं है लेकिन चेहरा खिला हुआ हुआ करता है। ध्यान रखिए, इसका मतलब है कि जगत के पदार्थों में सुख नहीं हुआ करता है। एक बात ध्यान रख लो, सुख साधनों में नहीं होता है, सुख परमात्मा की साधना में हुआ करता है। आनंद तो परमात्मा की साधना में बरसा करता, वरना मेरे सामने आने की जरूरत क्या है तुमको? तुम्हारे पास तो सब कुछ है और मेरे पास कुछ भी, एक आनंद की कमी है जीवन में। ध्यान रखना, धन दौलत से उस सुख की पूर्ति नहीं हो सकती है। सेठ मेरा भी वही है, उठाते हैं उसको, बैठा था लॉन में बैठ करके अखबार पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते सेठ के मन में ऐसा विचार आया, विचार कभी भी आ सकते, कहीं भी आ सकते, किसी भी क्षण आ सकते हैं, कि सेठ जरा पता तो कर तेरे पास कितनी दौलत है। अपार दौलत थी। उसने मुनीम को बुलाया, मुनीम जी इधर आओ, जरा बही खाते तो दिखाओ, वसीयत तो दिखाओ, मेरे पास दौलत कितनी है। मुनीम होने का, सेठ जी कैसी बात करते, इतने जल्दी अभी इसी वक्त इतनी दौलत है कि महीनों लगेंगे उसका हिसाब बनाने में, महीनों लगेंगे, मुझे दो चार मुनीम और लगा दो और बताओ मुझे 8 दिन के अंदर बताइए मेरे पास कितनी संपदा है। बहुत संपदा थी, विराट संपदा। मुनीम ने कहा सेठ जी चिंता मत करो, बोले चिंता इंता की बात एक तरफ रख, तू ये बता मेरे पास दौलत कितनी है। सेठ मुनीमों ने कहा 8 दिन का समय दो। 8 दिन बाद मुनीम इकट्ठे हुए, बताओ मेरे पास कितनी दौलत। बोले सेठ जी चिंता मत करो, इतनी दौलत है, तुम तो क्या तुम्हारे बच्चे भी बैठकर खाएं तो भी पैसों की कमी पड़ने वाली, आज से ही दुकान जाना बंद कर दो। इतनी दौलत है कि बच्चे भी बैठकर खाएं तो धन की कमी पड़ने वाली, वो ना कमाएं 100 साल तक तो भी पैसों की कमी नहीं। सेठ बड़ा खुश हुआ। मालूम है आदमी जब सद्भाव पे दृष्टि रखता है तो खुशी मिलती है, और आदमी जब अभाव पे दृष्टि रखता है तो दुख मिला करता है। ध्यान रखिए, सुख और दुख सद्भाव और अभाव के नाम हुआ करते हैं। आपकी दृष्टि किस पर है? यदि सद्भाव पे दृष्टि है, जिसे तुम्हारे पास है उस पर दृष्टि है, तो जीवन में आनंद हुआ करता है, और जो नहीं है उसके पीछे भाग रहे हो वही तुम्हारे दुख का कारण होता है। भगवान महावीर ने कहा है जो तुम्हारे पास है उसका उपयोग करो, और जो तुम्हारे पास नहीं उसके पीछे पागल बनने का प्रयास मत करिए, उसके पीछे भागने का प्रयास मत करिए। आदमी की आदत है जो है उसमें सुखी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मान लो आपकी जेब में 90 रुपए पड़े हैं और बाजू वाले की जेब में 10 का नोट पड़ा है। अब आपको अपना 90 नहीं दिखता, इस जुगाड़ में रहते हो कि वो 10 यहां से निकल के यहां आ जाए तो पूरे, हाँ आदत तो वही ना, कितने जल्दी बोल गए, पूरे 100 हो जाएंगे। 90 रुपए सबकी किस्मत में है, जिंदगी भर आदमी 10 रुपए के पीछे भागता है। और एक बात याद रखना औरंगाबाद वालों, कि 10 रुपए मरते समय तक पूरे नहीं हुआ करते हैं। और एक बात याद रखना, 10 के पीछे जो पागल बनता है, बस पूरे 10 हो जाए
मेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। बच्चे बड़े हो जाएं 10 का नोट, उनके बच्चे हो जाएं 10 का नोट, मेरे बच्चों का व्यापार हो जाए 10 के पीछे पागल, 10 के पीछे पागल हो, 90 का सुख नहीं भोग रहे हो। एक दादाजी से हमने कहा कि आ जाओ हमारे साथ, चलो सन्यासी बनकर। बोले चलेंगे। मैंने कहा कब चलोगे? बोले 10 तो पूरे हो जाए जिंदगी में। मैंने कहा 10 कभी जिंदगी में पूरे नहीं हो, मर जाओगे, लेकिन 10 का नोट ध्यान रखना। इस धरती पर परमात्मा ने सबको 90 रुपए दे करके भेजे हैं, लेकिन पूरी जिंदगी वो 10 रुपए के पीछे भागा करता है आदमी, ध्यान रखिए। कभी याद ख्याल किया आपने, आपके मुंह में 32 दांत हैं, 32 ही है ना, कम ज्यादा चलेगा, 32 दांत आपके मुंह में हैं। एक दांत टूट जाए तो जीभ पूरे दिन कहां जाती है? बोलो बोलो, कौन बोला तुड़वा के बताएंगे? एक दांत टूट जाए जीभ बार बार उसी के पीछे जाती, उसी के पीछे जाती, उसी को जाती, वहीं जीभ जाएगी, वहीं अड़ेगी, उससे ही भिड़ेगी। कैसी नादान जीभ है, अरे पगली, 31 दांत का सुख भोग, एक के लिए पागल काय को हो रही है, ध्यान रखना। लेकिन जो नहीं है उसके पीछे हमारा मन जाता है, उसके पीछे हमारा जीवन दौड़ा जाता है। आपसे मेरा निवेदन है, गिलास आधा भरा है, गिलास आधा खाली है, ये हमारी सोच हुआ करती है, ध्यान रखना। अपने आप में जीने का प्रयास कियो, खुद में जीने का प्रयास करो। एक बात याद रखना, जो है उसका आनंद बटोरो, बहुत कुछ तुम्हारे पास है, ऐसा कुछ नहीं दुनिया में। एक फकीर था, एक संत था, ऐसा संत ऐसा फकीर कि गरीब था, उसके पास पहनने को जूते भी नहीं थे, वह मस्जिद के सामने बैठकर नमाज अदा कर रहा है, मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठा है और कहता है परवरदिगार से कि जैसे ही वहां पर नवाब साहब पहुंचे, हीरे मोतियों से जड़ी जूतियां पहनकर उसने अल्लाह से कहा, खुदा से कहा कि हे खुदा, ये नवाब तो जुम्मे के जुम्मे आता है, सप्ताह में एक बार आएगा, साल में एक बार आएगा, तूने इसको हीरे जड़ी जूतियां दे रखी हैं, और मैं तेरी दरगाह पे, मैं तेरे मस्जिद की दीवारों के पास रोज आता हूं, तूने मुझे जूते चप्पल भी नहीं दिए हैं, कितनी नाइंसाफी किया करता है तू, हैं जो रोज नहीं आते उनको जूतियां देता है, और जो रोज आता है वह नंगे पैर तेरे पास फटी जूतियां लेकर के मैं आया हूं। थोड़ी देर बाद क्या देखता है वह, उसी मस्जिद की सीढ़ियों पर एक वो आदमी चढ़ रहा है हाथ के बल से जिसके पैर नहीं है। उस आदमी ने सोचा, उसको देखा, उस फकीर ने, उसने कहा वाह रे परवरदिगार, तेरा बड़ा रहम है, अरे तूने जूतियां नहीं दी, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिसे तू पैर भी नहीं दिया करता है, ध्यान रखना। मैं किस्मत वाला हूं, कम से कम मेरे पास है, दो पैर तो है, जूतियां नहीं तो कोई बात नहीं। मैं भी महिलाओं से निवेदन करना चाहता हूं, सोने के कंगन ना हो तो दुखी मत होना, धन्यवाद देना उसने कलाई तो हमें प्रदान की है, वरना लोगों के पास कलाई भी नहीं हुआ करती है, ध्यान रखना। सोने के चैन ना हो तो ज्यादा परेशान मत होना, वो चैन से सोने दे रहा है, इसका धन्यवाद उस परमात्मा को देने का प्रयास करना। जो भी तुम्हारे पास है उसमें आनंद से रहो, जो भी तुम्हारे पास, अरे छोटा सा घर है, अरे है तो ना घर, वरना ऐसे भी लोग हैं जिनके पास चार दीवार और एक छत नहीं हुआ करती है। सद्भाव पे दृष्टि रखो। गुलाब का पौधा लगा है, एक आदमी कहता है वारे भगवान तू बड़ी नाइंसाफी करता है, बड़ा भेदभाव करता है, हजार कांटे देता है और एक फूल खिलाता है, ये तेरी दुनिया का इंसाफ हुआ करता है। एक की दृष्टि कांटों पर है, वह कहता है कि हजार कांटे और एक ही फूल खिलाया, इतने में मेरी सोच का आदमी निकलता है, वह भी गुलाब के पौधे को देखता है, वह कहता है भगवान तू कितना रहम करता है, अरे हजार कांटे में भी एक फूल खिला दिया करता है, ये तेरी कृपा और कृपा का फल है, ध्यान रखना। कितना ध्यान रखता है तू, हजार कांटों में एक फूल खिलाने की ताकत रखता है, सोच वही है, पौधा वही है, आनंद, ध्यान रखना। एक नारियल का पेड़ है, वो बाजू में गुलाब का पौधा लगा है, गुलाब का पौधा कभी नहीं सोचता है कि मैं नारियल जैसा ऊपर चढ़ जाऊं,
और नारियल का पेड़ कभी नहीं सोचता है मैं गुलाब जैसे फूल खिलाऊं। जिस दिन गुलाब का पौधा सोचेगा मैं नारियल जैसा ऊंचा हो जाऊं, उस दिन पौधा सूखना प्रारंभ हो जाएगा। और जिस दिन नारियल सोचेगा इसके जैसे फूल खिलाऊं, वह पेड़ गिरना प्रारंभ हो जाएगा। अरे गुलाब अपने में राजी है और नारियल अपने में राजी है, और जब जब हवा का झोंका आता है गुलाब अपनी मस्ती में झूमता है और नारियल अपनी मस्ती में झूमा करता है। एक दूसरे को देख करके जला नहीं करते हैं, एक दूसरे को देख करके प्रतिस्पर्धा नहीं किया करते हैं, लेकिन आदमी की आदत है जो है उसमें सुखी नहीं होता है, जो है उसमें सुखी रहो ना। जीवन तो मिला है ना, कभी परमात्मा को धन्यवाद दो कि तूने मुझे दो आंखें दी हैं, वरना अंधे लोग भी दुनिया जीते हैं। परमात्मा को धन्यवाद दो तूने मुझे दो हाथ दिए हैं, परमात्मा को धन्यवाद दो पैर दिए हैं। उस परमात्मा को जाकर के धन्यवाद देना कि तूने सोचने समझने की बुद्धि प्रदान की है, वरना कितने लोग पागल खानों में जिंदगी जीते हैं और दुनिया से विदा हो जाए। सब तो है तुम्हारे पास, क्या नहीं, किस बात का दुख है तुमको, सब है। मालिक जो भी दे दे तू कर ले कबूल, और कभी कभी कांटों में खिलते हैं फूल, ध्यान रखना। जो मिले उसमें आनंद से रहो, ज्यादा ऊंची ऊंची इमारतों को देख के मत चलना, गर्दन में लचक आ जाएगी, ध्यान रखना है। ऐसा देखो जिसमें आनंद की बरसात होती हो, ध्यान रखना। सेठ परेशान हुआ, बहुत सुखी था कि मेरे पास सब कुछ है, इतना है इतना है इतना है कि मैं भी बैठकर खाऊं, मेरे बच्चे भी बैठकर खाएं, कमी नहीं पड़ने। एक दिन सेठ के मन में एक विचार पैदा हो गया, गलत विचार, कभी भी पैदा हो सकता है, किसी भी क्षण यहीं बैठे बैठे गलत विचार पैदा हो जाएगा। गलत विचार सेठ के मन में आया कि यार मैंने क्या कमाया जिंदगी में, ध्यान रखना। अभी खुशी सुखी था, अभी घर जाता था, तकिए पे सिर रखता था और गहरी नींद आती थी। एक पत्रकार ने मुझसे पूछा कि सबसे सुखी आदमी कौन है, मैंने कहा जो तकिए पर सिर रखे और गहरी नींद आ जाए वह सबसे सुखी आदमी है, और रात भर करवट बदले वो दुनिया का सबसे दुखी इंसान हुआ करता है। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता।